न्यूज वॉइस जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। लगातार बढ़ते सड़क हादसों को ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक पुलिस के सहयोग से L&T कंपनी के कर्मचारियों द्वारा आज रेवाड़ी में यातायात जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। यह रैली शहर के नाइवाली चौक से शुरू होकर नारनौल रोड पर गोपालदेव चौक से होती हुई वापस नाइवाली चौक पर संपन्न हुई। इस रैली को जिला यातायात प्रबंधक ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली के माध्यम से कंपनी कर्मचारियों ने लोगों को यातायात नियमों के बारे में जागरूक किया, साथ ही यह संदेश भी दिया कि दुपहिया वाहन चालक हेलमेट लगाकर तथा चौपहिया वाहन चालक सीट बेल्ट लगाकर ही यात्रा करें। वहीं ठंड में धुंध के मौसम को देखते हुए स्पीड में वाहन न चलाएं और यातायात नियमों का पालन करें। इसे लेकर यातायात प्रबंधक ने कहा कि इस रैली का उद्देश्य लोगों को यातायात नियमों के बारे में जागरूक करना था ताकि उन्हें सड़क हादसों से बचाया जा सके। इस रैली में कंपनी के ग्रुप कमांडर के अलावा सिक्योरिटी ऑफिसर तथा काफी संख्या में कंपनी कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये वही कंपनी के कर्मचारी हैं जो लोगों को यातायात नियमों का पाठ पढ़ा रहे हैं और संदेश दे रहे हैं ताकि सड़क हादसों पर अंकुश लग सके। इसमें मुख्य तौर पर यातायात जिला प्रबंधक भी शामिल हुए जिन्होंने लोगों को यातायात नियमों का पाठ पढ़ाया और लोगों को संदेश दिया। वहीं ट्रैफिक पुलिस की जो शहर इंचार्ज वीना राणा ने मुख्य रूप से शिरकत की और लोगों को यातायात नियमों की जानकारी दी। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। सेफ्टी के संबंध में रैली निकाली गई थी जो L&T कंपनी द्वारा एक पब्लिक को जागरूक करने के लिए रोड सेफ्टी के संबंध में एक मैसेज पब्लिक में देने के लिए, रोड के ऊपर चलते वक्त दुपहिया वाहन अपना हेलमेट लगा के चलना, फोर व्हीलर्स सीट बेल्ट का प्रयोग करना, धुंध में गाड़ी स्पीड से ना चलाना और यातायात के नियमों का पालन करने की जानकारी के संबंध में रैली निकाली गई। ये रैली गोपालदेव चौक से और नाईवाड़ी तक और फिर वापस नाईवाड़ी से राव गोपालदेव चौक पे समाप्त की गई थी। इसमें रेलवे इसमें काम करने वाले R&T के ऊपर उनके ग्रुप कमांडर और सिक्योरिटी ऑफिसर भी इनके साथ में थे। ये रैली मुख्य रूप से सड़क के ऊपर कोई दुर्घटना ना हो, सड़क के बारे में जागरूकता भी रोड सेफ्टी के संबंध में निकाली। नया साल आपके जीवन में सफलता, सौभाग्य और खुशियां लेकर आए। यह साल बीते हुए साल से भी ज्यादा समृद्ध हो। बीते साल में आपकी जो कामनाएं अधूरी रह गई वो इस वर्ष पूर्ण हो। शांति, खुशहाली और विश्वास से भरे नए साल के लिए मेरी ओर से अनंत मंगल कामनाएं।